डीजी मैडम की शिकायत करने वाले आईपीएस विकास वैभव पर अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है। डीजी मैडम गाली देती हैं, ये कहकर ट्वीट करने वाले आईपीएस विकास वैभव को गाली देने वाली डीजी मैडम ने नोटिस भेजा है और 24 घंटे के भीतर अब आईपीएस विकास वैभव से जवाब मांगा गया है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं बिहार तक। डीजी मैडम की गाली की शिकायत करने पर सीनियर आईपीएस अधिकारी विकास वैभव की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अब उन्हें डीजी मैडम शोभा अहोतकर के खिलाफ बोलना भारी पड़ गया है। उन्हें नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में उनसे ये पूछा गया है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है क्या वो आईपीएस सर्विस का उल्लंघन नहीं है। होमगार्ड एंड फायर सर्विस डीजी की तरफ से 9 फरवरी यानी कि कल देर शाम नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस का जवाब 24 घंटे के अंदर विकास वैभव को देना होगा। विकास वैभव के लिए बतौर शो कॉज नोटिस में लिखा है कि 9 फरवरी की सुबह आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया गया जो आपके ट्विटर हैंडल से किया गया था। ट्वीट वायरल हो रहा है। उक्त ट्विटर मैसेज में लिखा गया कि आप पीजी रैंक की महिला अधिकारी से गालियां सुन रहे हैं। उक्त तथ्यों के समर्थन में आपने ये भी लिखा है कि आपके द्वारा उन बातों को रिकॉर्ड भी किया गया। लेटर में लिखा गया है कि वायरल मैसेज में आपके द्वारा रिकॉर्डिंग किए जाने की बात को पब्लिक डोमेन में लाया गया, जिससे साफ होता है कि आपके द्वारा कार्यालय की बैठकों में होने वाली चर्चाओं की रिकॉर्डिंग की जाती है। ये आपकी गलत मंशा को दर्शाता है। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत प्रावधानों का भी उल्लंघन है। आपका आचरण एक वरीय पुलिस पदाधिकारी के आचरण के लिए सही नहीं है। स्पष्टीकरण मांगते हुए लिखा गया कि आपने सोशल मीडिया पर अपने वरीय पदाधिकारी पर बेबुनियाद आरोप लगा करके उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। आपका ये काम अखिल भारतीय सेवा संघ आचार नियमावली के खिलाफ है। अब 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों नहीं आपके इस आचरण के लिए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा राज्य सरकार से की जाए। तो ये है वो नोटिस जो आईपीएस अधिकारी विकास वैभव को भेजा गया और आईपीएस से 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा गया और आईपीएस विभाग वैभव को छुट्टी के बजाय नोटिस थमा दिया गया। इस नोटिस के जरिए बिहार में आईपीएस अधिकारियों की लड़ाई एक बार फिर से खुल करके सामने आ चुकी है। बिहार पुलिस महकमा एक बार फिर से काफी चर्चा में है और डीजी और विकास वैभव के बीच हुए इस पूरे विवाद ने फिर से पुरानी घटनाओं की याद ताजा कर दी है। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि मद निषेध और निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का एक वीडियो वायरल हुआ था जो काफी ज्यादा विवादों में आ गए थे, जब एक मीटिंग के दौरान उन्होंने डिप्टी कलेक्टर और बिहारियों को लेकर के गाली गलौज की थी और अब डीजी शोभा अहोतकर की गाली गलौज करने की बात सामने आई है। लेकिन इन सबके बीच सीधा सवाल सरकार पर उठता है कि आखिर अफसरों की तरफ से मिल रही बिहारियों को खुली गाली पर सरकार खामोश क्यों है। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।